भागलपुर स्टेशन में कभी भी एक बड़ी घटना घट सकती है। जी हाँ दोस्तों, अभी वहाँ का जो आरपीएफ का जो जवान है उसकी काफी ज्यादा लापरवाही सामने आ रही है। आप सबको बता दें कि रेलवे स्टेशन में जो लेगेज स्कैनर लगा हुआ है उसके माध्यम से यात्री का जो सामान है वह जांच नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी यात्री कुछ भी लेकर स्टेशन परिसर पर जा सकता है। और आप सबको पता है दोस्तों कि भागलपुर स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वही रेलवे की ओर से दोस्तों जो भागलपुर स्टेशन में अवैध रास्ता है, जैसा कि आप सबको बता दें कि जब कोई ट्रेन आती है तो यात्री मुख्य द्वार से ना निकलकर वह साइड के छोटे मोटे जो रास्ता छूटे हुए हैं वहां से निकल जाते हैं, जिसे अब रेलवे बंद कर रही है। लेकिन दोस्तों भागलपुर स्टेशन के मुख्य द्वार पर जो लेगेज स्कैनर लगा हुआ है वह चालू है, लेकिन उस पर किसी भी यात्री का जांच नहीं होता है। कभी कभी यह जांच होती रहती है, वहां के लोग का कहना है। जैसा कि दोस्तों यह रिपोर्ट आप सब देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में आ चुका है, आज के यह न्यूज़पेपर में आप सब जाकर देख भी सकते हैं। वही यात्री की सुरक्षा के लिए भागलपुर स्टेशन में 3 शिफ्ट में आरपीएफ जवान तैनात रहते हैं। वही दोस्तों आप सब लेगेज स्कैनर के पास आरपीएफ जवान को भी देखे होंगे, लेकिन अधिकतर यात्री का जो सामान है वह जाँच नहीं होती है। सामान जाँच कराए ही यात्री स्टेशन परिसर पर चले जाते हैं। कभी कभार आरपीएफ के द्वारा यात्री की सामान जांच की जाती है, जबकि दोस्तों यात्री के सामान का जांच होना बहुत ही जरूरी है। नाथनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर 2020 में डेटोनेटर बम मिला था, जिसे जमालपुर के बम निरोधक टीम ने डिफ्यूज किया था। मौके पर लाल कलम से लिखी एक खत भी मिली थी। और दोस्तों इस मामले की जांच अभी तक चल रही है। फिर भी भागलपुर इतना बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर लापरवाही कितना ज्यादा है आप समझ सकते हैं। इसके अलावा नाथनगर में 2021 में भी बम विस्फोट हुआ था, जिसपे एक यात्री की मौत भी हुई थी। वही दोस्तों जब यह खबर बड़े अधिकारी पीएन सिंह संजय को जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने बताया कि सामान की जांच अति आवश्यक है और यात्री के सामान की जो जांच का जिम्मेवारी है वह आरपीएफ को दिया गया है। यदि भागलपुर स्टेशन में ऐसा हो रहा है तो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा। बाकी दोस्तों आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यात्री का सामान जांच होना चाहिए या नहीं। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आप सबको भागलपुर गोड्डा से रिलेटेड हमेशा खबर मिलते रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।